अभी मैंने काफी दिन पहले दो आईब्रो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिससे मैंने आपको बताया था कि आप घर पर आईब्रोज किस तरीके से कर सकती हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी क्वेरीज उसमें आई थी कि आप जब आईब्रोज करती हैं तो विदाउट प्लकिंग या बिना अपने बालों को निकाले हम किस तरीके से अपने आईब्रोज को एनहांस कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली टीनएजर्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिन्होंने आज तक थ्रेडिंग नहीं करवाई या जो लोग करवाना नहीं चाहते हैं। मुझे भी थिक आईब्रोज बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज की वीडियो में मैं उन लोगों को बताऊंगी कि बिना आप किसी बाल को निकाले या रिमूव किए प्लकिंग या फिर आप वैक्सिंग या किसी भी तरीके से अगर थ्रेडिंग भी करवाते हैं तो भी बिना करवाए आप किस तरीके से आईब्रोज को एनहांस करते हैं। मैं किस तरीके से करती हूं तो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बहुत न्यूट्रल न्यूड मेकअप का मैं आई हूँ ताकि आपका ज्यादा ध्यान मेकअप की जगह आईब्रोज पे जाए और आप सीख सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ, यहाँ पर है, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं। यहाँ ML की है, ये मैट लुक वाली है आईब्रो पेंसिल और इसमें मेरा शेड है ब्राउन। हमेशा ध्यान रखें शेड जो है वो ब्राउन कलर का ही ले। अगर आप थोड़ा अच्छे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कलर बार की इस तरीके की ब्राउन पेंसिल ले सकते हैं। इसका जो शेड है ना मुझे वो ज्यादा पसंद है क्योंकि ये ना ज्यादा ब्राउन है ना ब्लैक में आता है, न्यूट्रल मेरी आईब्रोज की जो इंडियन स्किन टोन वाली आईब्रोज होती हैं उनके साथ इजिली मैच कर जाता है। लेकिन इस तरीके की जो पेंसिल्स आती हैं ये थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं। देखिए वैसे ज्यादा फर्क नहीं होता है, आप चाहे तो अगर आपके पास घर पे कोई अच्छा सा आई शेडो पैलेट पड़ा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। पेंसिल से मैं इसलिए आपको बोलती हूँ करने के लिए क्योंकि एक तो आपकी शेप जो है वो अच्छी आ जाती है और अगर आप बिगिनर हैं तो इजी ग्रिप मिल जाती है, इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मैं इससे करूंगी और एक इससे करूंगी, यानी एक कलर बार से करूंगी और एक ये लोकल पेंसिल से करूंगी, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंसिल से लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। हमें जो आगे की साइड होती है यहाँ पर, इस पे कम प्रोडक्ट यूज करना होता है और पीछे थोड़ा ज्यादा, तो मैं यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ऐसे ही हम ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से आपको यहां से पेंसिल पकड़नी है ताकि ज्यादा प्रोडक्ट ना लगे और एक स्ट्रेट लाइन आपको खींच देनी है। अब यहां पर अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और आपको थोड़ी सी आग देनी है जो कि फोटोग्राफ्स में अच्छी लगती है, तो आप इस तरीके से थोड़ा ऊपर ले जाए और यहां से नीचे की तरफ ले आए तो आग जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। और बिल्कुल हल्के हल्के स्टॉक्स में लीजिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर आप बड़े बड़े स्टॉक्स लेंगे और थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है। और अब इसे फिल करना आप शुरू कर दें। आपने देखा होगा मैं आगे की तरफ कम प्रोडक्ट यूज कर रही हूं, मतलब कर ही नहीं रही हूं। जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा हम उसी को स्पूली की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। अभी प्रोडक्ट जो है वो फिल हो चुका है। अब यहां पर इसकी कलर बार की बैक साइड पे आपको स्पूली मिल जाती है, तो जस्ट आपको इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करना है और इस तरीके से ब्लेंड करते रहना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कंसीलर का इस्तेमाल करके भी इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आंखों में कि कितना ज्यादा है और कितनी एनहांस लग रही है। ये साइड लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और इस तरफ थोड़ा सा डल लुक लग रहा है,
तो आप इस तरीके से आईब्रोज को एनहांस कर सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड आपको इस पेंसिल से करके दिखाती हूँ। ये एम्बिल की पेंसिल है, आप कोई से भी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ इस तरीके की स्पूली भी मिल जाती है जो कि कॉम है, जिससे आप प्रोडक्ट इजली जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई मस्कारा का विंड पड़ा है तो उसे भी वॉश करके आप स्पूली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरफ भी हम सेम वैसे ही करेंगे, जस्ट हल्के हाथ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर की तरफ भी और अगर आग देनी है तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाएंगे और यहां से हम नीचे ले आएंगे। यहां पे भी हम प्रोडक्ट को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसे बंद करकर इसी ब्रश की मदद से हम प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर लुक भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं आपका फेस जो है वो एकदम से निखर के आता है, आप काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। और अगर आप ब्रॉड आईब्रोज बनाना पसंद करते हैं तो इस तरीके की आप आईब्रोज रख सकते हैं, या अगर आपके आईब्रोज बहुत ज्यादा हल्की हैं तो इस तरीके से पेंसिल की मदद से आप इन्हें एनहांस कर सकते हैं। काफी खूबसूरत और काफी अच्छा लगता है और हल्का सा, मतलब जैसे अब मैंने न्यूट्रल मेकअप कर रखा है तो इसके साथ भी लुक जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप ये सिंपल नो मेकअप मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आऊंगी।